अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत अब पीर तक मुलतवी हो गई है। आज जब केस की समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस पेश ना हुए और मौवन वकील ने अल्तवा मांग लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि यह जमानत का मामला था, कौन सा दलाइल पर ज्यादा वक्त लगना था। लतीफ खोसा ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि 20 दिन से एक शख्स अंदर है, मौवन वकील का भी वकालतनामा मौजूद है, वो दलाइल दे सकता है। आपका जूनियर जज जेल भेज रहा है, ये पेश नहीं हो रहे, तो क्या आप सजा मौतल नहीं कर सकते। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज हम इस केस के लिए बैठे हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया है। हमने सिस्टम को चलाना है, जो ट्रायल कोर्ट ने किया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देखेंगे, हम पीर को समात रख रहे हैं। लतीफ खोसा रोस्टम से एहतजाजन चले गए और कहा फिर हम नहीं आएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क से कि पीर को ना आए तो रिकॉर्ड देखकर फैसला करेंगे, दो गलत काम एक सही नहीं करते। इसके बाद लतीफ खान खोसा अदालत से वॉकआउट कर गए। समात अगले हफ्ते तक मौखर कर दी गई है। आज होने वाली समात और जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले माहिरे कानून सीनियर वकील शाह खावर मेरे साथ मौजूद है। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह खावर साहब, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट से ऑब्जर्वेशन आई और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि इस मामले के अंदर जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया है उसके साथ कुछ इश्यूज हैं, ये सख्त ऑब्जर्वेशन आपकी नजर में क्यों आ रही हैं? क्या वाकई जो निचली जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो कमजोर है या फिर ये प्रोसीजरल इश्यूज का मामला है? जी देखिये, ये इस पे तो बड़ी बहस हो रही है, खासतौर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग हो रही थी, उस पे जो है उन्होंने काफी ऑब्जर्वेशन शो की, जो कि एडिशनल सेशन जज की जो जजमेंट है हुमायूं दिलावर साहब की, तो उस पे एक बात जो अजीब ये थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ जो है वो दरखास्त पड़ी हुई थी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में कुछ मुतफरक दरखास्तों पर जो है वो फैसले सादर किए थे, जो कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखे थे। और ये उस वक्त की बात थी कि जब अभी हुमायूं दिलावर साहब की अदालत ने अभी उस पर तोशाखाना केस में फैसला नहीं किया था, तो उसूली तौर के ऊपर जब ऐसी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के पास आती हैं तो वो गैर मौसर हो चुकी हैं। उसकी वजह ये है कि फिर सुप्रीम कोर्ट जो है ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है कि जो दरख्वास्त गुजार है उसको कहेगी कि चूंकि आपने अब फैसले के खिलाफ अपील फाइल कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आपके पास ये सारे ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, वो आप ये वहां पे उठा सकते हैं। अच्छा। तो उस पे जो उन्होंने एक अगले दिन का जो है वो हाई कोर्ट से कहा कि आप उनकी अपील जो है या उस पे जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो दरखास्त है उसको आप कल डिसाइड करें और हम 2 बजे दोबारा अदालत लगाएंगे, ये जरा एक अनयूजुअल सी बात थी, ऐसा होता नहीं है। उससे एक फिर जो तासर ये उभरता है कि शायद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड कर रही है और उनको डिक्टेट कर रही है, और उस पर आपने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी उस पर रिएक्शन शो किया, वकला की तरफ से भी आया। और फिर उससे फिर अजीब बात ये हुई कि कल जो गुजर गया है उस दिन फिर उसकी समाअत हुई और वो फिर 2:15 बजे तक चलती रही, फिर वो आज के लिए जो है एडजर्न हो गई। और फिर हमने ये भी सुना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसने असेंबल होना था उसके बेंच ने, उसके बाद वो भी नहीं हुआ और उनकी जो एक अगर इम्प्लाइड सी डायरेक्शन भी थी वो भी वायलेट हो गई। फिर आज पे केस चला गया, आज भी फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील की अदम दस्तयाबी की वजह से उसको मजीद मंडे तक मुलतवी कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफी जो है वो सुपीरियर कोर्ट्स का जो है आपस में एक नॉन कोऑर्डिनेशन या सुप्रीम कोर्ट का मैं समझूंगा कि वो जो बेंच है जिसकी जो सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे हैं उससे सवालिया निशान। लेकिन इसमें शाह खावर साहब राइट, मगर एक मामला इसमें तरीके इंसाफ का ये कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने बहुत ज्यादा जल्दी की, बहुत से प्रोसीजरल इश्यूज हैं जो पहले फैसला आया हक दिफा नहीं दिया गया और जल्दी की, तो जो जल्दी वहां हुई है कहीं ऐसा तो नहीं हुई जल्दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये कितना
गैर मामूली है कोर्ट्स का एक किसी मामले के ऊपर इस तरह से कोर्ट्स के फैसले आना। देखिए मैं आपको बताऊं कि जहां तक जो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की जजमेंट का ताल्लुक है, गो के उस ट्रायल में भी पीटीआई की तरफ से और उनके चेयरमैन की तरफ से भी बहुत ज्यादा जो है डिले हुआ, लेकिन फिर भी जो उनका ड्यू प्रोसेस उनको जो एक्सटेंड होना चाहिए था, मसलन वो अपने सफाई में शहादतें गुजारना चाहते थे, गवाह गुजारना चाहते थे, उनको बिल्कुल इजाजत देनी चाहिए थी। मेंटेनेबिलिटी के ऊपर वो बहस करना चाहते थे कर देनी चाहिए थी, और फाइनल बहस में उनको मौका दे देते हैं। मतलब कोई आसमान ना गिर पड़ता कि अगर उसको कोई उस फैसले को 15-20 दिन या कम अज कम एक महीना बेशक उसमें डिले हो जाता, कोई इशू नहीं था। लेकिन ये तमाम चीजें जो है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है, ये तमाम चीजें हाई कोर्ट के सामने। अच्छा, हाई कोर्ट ने इन चीजों का अहाता करना है, हाई कोर्ट ने इनमें देखना है कि क्या जो ट्रायल कोर्ट है उसने जो खान साहब को जो है वो इस केस में ड्यू प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड किया है, उनको सफाई का पूरा मौका दिया है। तो वो तो यकीनन मैं भी बतौर वकील ये कहूंगा कि वो तो उसमें तो लैकिंग है, और उस पे हाई कोर्ट जो है वो कोई भी जो है वो फैसला कर सकती है। लेकिन ये चीज जो कि एक तासुर ये मिला कि वो सुप्रीम कोर्ट शायद एक हेडमास्टर की तरह ऊपर जो है वो खड़ी होके हाई कोर्ट को डिक्टेट कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये है, हाई कोर्ट भी आईनी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट भी आईनी अदालत है। जब हम सुपीरियर जुडिशरी की बात करते हैं तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों सुपीरियर जुडिशरी में आते हैं। और दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट की आईन में कहीं पे भी हाई कोर्ट्स के ऊपर सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। हाँ, हाई कोर्ट्स की जो है वो आर्टिकल 103 के तहत अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जरूर है, तो लिहाजा ये तफरीक जो है ये बड़ी जरूरी है। और आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, परसों के ऑर्डर से ये तासुर मिल रहा था कि ये जो गुज़श्ता कल है उस दिन ये फैसला हो जाता, वो जब नहीं हुआ, तो मैं नहीं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है या उसकी जो इज्जत और एहतराम है उसमें कोई, मैं समझता हूं कि उसमें कमी है। ठीक, राइट मकेश शाह, खबर साहब, इसमें जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनके, क्योंकि अगर उनको बिलफर्ज अगर उनको कोई ऐसा फैसला आ जाता है पीर के रोज, ये भी सवाल है कि क्या पीर को फैसला आ जाएगा या नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो उनकी जो दीगर केसेस के अंदर जहां पर उनकी जमानतें मनसूख हुई हैं, उनका स्टेटस आपकी नजर में जो है वो क्या ठहरेगा, और फिर जो उनकी रिहाई है क्या ऐसा आपको नजर आता है कि वो रिहाई भी अनकरीब हो सकती है? देखिए, बात यह है कि इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं होगी और अनयूजुअल बात या अनएक्सपेक्टेड नहीं होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी जो सजा है उसको मुअत्तल कर दे और उसमें जमानत पर रिहाई का ऑर्डर कर दे। लेकिन जैसे भी आपने फरमाया कि उनके और मुकदमात में भी हमारे इलम में है कि वो ऑलरेडी गिरफ्तारी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है अटक जेल में ही। एक तो वो साइफर वाला मुकदमा है जो कि एफआईए ने जो है वो उसमें इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो एक दर्ज किया हुआ है, उसमें उनको शामिल तफ्तीश भी कर चुके हैं। आज भी सुना है कि एक एटीए कोर्ट लाहौर का एक मुकदमे में भी उन्होंने गिरफ्तारी इनकॉर्पोरेट करके तो उनसे भी कोर्ट से इजाजत ले ली है उनको शामिल तफ्तीश होने में, और कुछ और मुकदमात में भी। तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर ये होगा कि अगर दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार हैं तो फिर उनकी गिरफ्तारी इतनी जल्दी अमल में नहीं आ सकती जब तक कि वो उन मुकदमात में भी जमानत पर रिहा ना हो जाए। और दूसरा ये कि एक बहुत बड़ी तादाद है मुकदमात की जो कि उनकी अदम पैरवी की वजह से उनकी जमानत कबलस गिरफ्तारी जो उगोरी हुई थी वो भी खारिज हो चुकी है, और उसमें भी इम्कान है कि वो जहां जहां पे वो एफआईआर रजिस्टर्ड हैं उनकी गिरफ्तारी भी जो है वो अमल में आ जाए। तो ये मेरे जो ख्याल है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अगर सजा मुअत्तल भी हो जाए तो शाखाना में हाईकोर्ट कर दे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी अच्छा। एक नियर फ्यूचर में जो है रिहाई अमल में आए। ठीक, शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे कानून हमसे बात कर रहे थे तोशाखाना केस के हवाले से। आज तवक्को की जा रही थी कि इस केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सुनाया जा सकता है इस मामले के ऊपर या फैसला महफूज हो सकता है, लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज, उनकी तबीयत खराबी की वजह से इस मामले की समाअत ना हो सकी, और अब ये समाअत
पीर के रोज तक मुलतवी कर दी गई है। दो रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल, जो इस मामले को देख रहा है। और इस केस में तहरीक इंसाफ के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वकील हैं, गौर अली खान, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस केस पर बात करने के लिए। गौर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गौर अली खान साहब, तवक्को थी आपको कि आज इस पर कोई फैसला आ सकता है, लेकिन ऐसा ना हो सका। आपको लगता है कि पीर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मामले पर कोई डिसीजन दे देना चाहिए या आ जाएगा? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पीर तक तो आना चाहिए। आज तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमारी हियरिंग कंक्लूड हो जाएगी और कोई ना कोई डिसीजन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आ जाएगा। आदो एक रूटीन है, वकला तारीखें मांगते रहते हैं और हमने भी ऐसा किया हुआ, लेकिन वो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें से अक्यूज जेल में नहीं होता। आज मायूसी बड़ी हुई है और डिसअपॉइंटमेंट हुई इस बात पे कि ये तो एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का कानून यही है कि विदाउट नोटिस भी हो सकता है और मुख्तसर हियरिंग के बाद होता है और ऑर्डर भी एक शॉर्ट सा ऑर्डर होता है, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज हियरिंग कंक्लूड हो जाएगी। अब नहीं जो हुआ, हमारी ये भी इस्तेदा थी कि अगर टाइम देना है मैक्सिमम तो एक दो घंटे का टाइम दे दे और उनको सुनकर के फिर फैसला किया जाए। अब उम्मीद है कि मंडे से आगे किसी सूरत नहीं जाना चाहिए इस मैटर को। अच्छा, अजाब लतीफ खोसा साहब की कुछ मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस से और उसमें उन्होंने शायद कहा कि हम अपनी इस कार्रवाई का अब वॉकआउट कर रहे हैं, तो पीर को आप लोग पेश होंगे, लीगल काउंसिल मौजूद होगी अदालत के अंदर इस केस में? देखिए, वो उन्होंने तो वाकई कहा है इस तरह के, लेकिन ये नहीं था कि हम अब पेश नहीं होंगे, तो अभी लीगल जो टीम है वो फैसला करेगी मंडे को क्या करना है। लेकिन ये जरूर हुआ था और वो इस तनाजुर में हुआ था क्योंकि हमने अदालत से एक मुद्दबाना गुजारिश यही की थी कि शॉर्ट मैटर है, इसको हर सूरत इसकी हियरिंग करे, स्पेशली जबकि डिसीजन भी ऐसे वक्त आया था कि हमें नहीं सुना गया था और उस वक्त तो अक्यूज जेल में भी नहीं था। लेकिन फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पेश होंगे ताकि आखिरी एक हियरिंग ये हो जाए और ये प्रोसेस कंप्लीट हो। अच्छा अच्छा, गौर अली खान साहब, ये फरमाएगा, ये एतराज आ रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कि बहुत जल्दी की जा रही है, तो कहीं ऐसा नहीं कि जो जल्दी ट्रायल कोर्ट ने दिखाई है वही जल्दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो इस मामले के अंदर दिखा रही है? की लीडरशिप का ताल्लुक है या जो लोग कमेंट्स करते हैं और जो सोए हुए थे वो जाग उठे, उनकी हर कंडक्ट को मैं स्ट्रांगली डिप्लोर और कंडेम करता हूं। वो अदालतों का अकेला छोड़े, अदालतों के घरों तक ना जाए, अदालतों और चीफ जस्टिस के बारे में वो रिमार्क्स ना है, हम सफर हो चुके फिर भी कुछ नहीं कहते, वो कहां करते हैं और किसकी जल्दी हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है? सुप्रीम कोर्ट में हमारी तीन पिटीशन पेंडिंग थी, उसमें से एक पिटीशन वो थी जिसका ताल्लुक ऐसा इख्तियारी समाज से था, ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी ही ऑब्जर्वेशन जरूर दी है कि इस केस का क्या फैसला हुआ था और हम सब ने मिलकर के यही कहा है बशमूल काउंसिल ऑफ द इलेक्शन कमीशन कि सर ये मैटर आपने रिमांड कर दिया था हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रिमांड कर दिया था और ये कंसेंट के साथ ये फैसला हुआ था कि पहले इस इख्तियार समात पे फैसला होगा और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे और फिर मेरिट पे बहस होगी कन्विक्शन या एक्विटल। सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा कि क्या जज साहब ने फैसला दिया और जब जज साहब ने फैसला नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व कर लिया कि फिर इसमें जल्दी जज साहब को क्या थी कि उसने फैसला दे दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स कोर्ट रहते हुए आईनी कानूनी जिम्मेदारी निभाते हुए क्या आवाम के फंडामेंटल राइट्स की हकूक का तहफुज नहीं करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम नहीं है कि जजेस पे इतना नजर तो रखे कि वो ट्रायल से कैसे प्रोसीड कर सकते? सुप्रीम कोर्ट के लिए ये जरूरी नहीं है कि अपनी लोअर जुडिशरी पे इतना नजर रखे कि हमारे ऑर्डर को भी आप हवा में उड़ाते हैं? ये क्या कहते हैं? जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है बिकॉज एक मुस्लिम लीग का PMLN ने इसमें गवाह है, ने इसमें पार्टी है, जब उनके ट्रायल चल रहे थे क्या किसी ट्रायल पे हमारे तरफ से कोई कमेंट्स आया? वो जो भी उनका अदालत में केस था वही था और अदालत में उनका केस ही क्या था? वो जो पार्लियामेंट में उठ करके कह रहे थे इलेक्शन कमीशन जी, मैं गौर अली खान साहब, इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह भी कहा गया इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से कि रियासत को फरीक बनाया जाए। आप समझते हैं कि इस वक्त जरूरत है रियासत को फरीक बनाने की? ये जो कानूनी नुक्ता इनकी तरफ से आया है कि फिर रियासत को भी फरीक बनाया जाए और रियासत को भी सुना जाए इस मामले के ऊपर?
स्टेट आन एंड ऑफ पार्टी होती है अपील में, लेकिन ये जो केस है ये एक प्राइवेट कंप्लेंट है और प्राइवेट कंप्लेंट सरकार इलेक्शन कमीशन ने फाइल कर दिया था, इसलिए अदालत ने भी उनको ये कहा था कि ये FIR का केस नहीं है, केस में सरकार हो। और जितने भी हमारी पहले इस अदालत में और सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए हैं तो उन सब में कोई सरकार पार्टी नहीं थी, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही पार्टी है। और वकील ने खुद भी एडमिट कर लिया था कि जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारी अपील लगी नहीं है हियरिंग के लिए, ये तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एक एप्लीकेशन लगी है, और सेंटेंस की एप्लीकेशन का जो कानून है उसमें सरकार को नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। और ये एडमिट कर दिए थे इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि हाँ पार्टी बनाने की जरूरत पड़ेगी अपील में, ना कि इस एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन में थोड़ा फर्क है, जब आप बेल के लिए जाते हैं तो उसके कानून में लिखा है कि बेल ना दी जाए ता वक्त ये कि सरकार को नोटिस हो, लेकिन जो जेल में बैठा हो उसके कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि ता वक्त ये कि सरकार को नोटिस हो, बगैर नोटिस के उसमें केस है। तो मेरा ख्याल है ये कोई वैलिड लीगल ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये जो बात हो रही है आपकी तरफ से, हमने कोई तरदीद भी देखी ख्वाजा हारिस, क्या वाकई अब इमरान खान की लीगल काउंसिल में शामिल नहीं है? और ये अखबारी इतलात थी कि कोई एतराज़ है उन्हें कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से जो एतराज़ात किए गए, जिन तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया, वो नहीं किया जाना चाहिए था? नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं तो हमने कोई तहफ़ुज़ात और वहाँ कोई दरख्वास्त हमने दिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, ना हाईकोर्ट में कोई पेंडिंग है ना सुप्रीम कोर्ट में है। वो हमने एक एप्लीकेशन ज़रूर दी है कि हमारे सारे केसेस इन वजूहात के बिना पर ट्रांसफ़र किए जाएँ, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने कोई ऐसी रिजर्वेशन नहीं शुरू किया, ना ही उसने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी विदड्रॉ किया। एक एडिशनल काउंसिल की सूरत पर हमारे साथ कोसा साहब आए, और ख्वाजा हारिस साहब की एक इनबिलिटी थी वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि डे टू डे हो जाए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट चैलेंज हुए, क्योंकि वो वहां बिजी होंगे इसलिए यहां टाइम नहीं दे सकेंगे, इसकी वजह से वो नहीं आ रहे। अलबत्ता वो हमारे टीम का हिस्सा है और हिस्सा रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और ये जो खबर आई थी कि तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ, वो बहुत पहले ही आया हुआ था लेकिन ऐसा फैसला अभी कोई नहीं हुआ है। ठीक है, राइट। गौहर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। माहिर कानून वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक बाद जब वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी कहती है 90 रोज में इलेक्शन कराएं, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहा है, इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज मुस्लिम लीग नून के वफद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की, जिसमें इंतखाबी अमल से मुतालिक मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के अमल को तेज करने, इलेक्शन जल्द कराने और ज़ाबता अखलाक के जरिए इंतखाबी अखराजात में कमी और नफरत की सियासत की रोकथाम यकीनी बनाने की तजावीज़ दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद नून लीग के रहनुमा राणा सनाउल्ला ने कहा कि 14 दिसंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी, इसके बाद 54 दिन का इलेक्शन का शेड्यूल होगा। इससे पहले गुज़िश्ता रोज जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दावत पर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने CEC के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका यह कहना था कि इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए, अगर ना हुआ तो फिर बहरानी कैफियत होगी। इलेक्शन कमीशन और सदर के मामलात भी जेरे बहस हैं और इस पर भी जो है वो बात हो रही है। इन तमाम इशूज पर बात करने के लिए इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह ताड़ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अताउल्लाह ताड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताड़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि 90 रोज में अगर इंतखाबात नहीं होते तो एक बहरानी कैफियत होगी। हमारी तो ये समझ में है कि पीपल्स पार्टी से पहले मर्दमशुमारी के हवाले से फैसले में पूरी तरह से शामिल थी, अब पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसा आपके ख्याल में क्यों कहा जा रहा है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। देखिए, सबसे पहले है कि जब CCI की मीटिंग हुई उसमें तमाम पार्टीज बाय स्पेशल इनविटेशन शरीक थी, और जो दो इलेक्टेड CM मौजूद थे मुश्तरका मफादात काउंसिल में, उसमें एक इलेक्टेड CM सिंध मुराद अली शाह साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो भी शरीक थे। और ये कॉन्शियस डिसीजन किया गया था कि सेंसस को अप्रूव करना है, क्योंकि 2017 के सेंसस के मुताबिक जो है वो इलेक्शन हो नहीं सकते, वो बहुत आउटडेटेड है, पुराना हो गया। जब फैसला कर लिया गया तो उसमें पीपल्स पार्टी की रजामंदी शामिल थी। तो अब आके ये कहना कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो, ये कैसे मुमकिन है?
इलेक्शन जल्दी जरूर होने चाहिए, हम भी इसके हामी हैं। आज इलेक्शन कमीशन से भी हमने ये बात की कि इलेक्शंस को जल्दी करवाया जाए, मगर हमने कहा कि साथ साथ जो डीलिमिटेशन है वो 14 दिसंबर को खत्म हो रही है, उसके फौरन बाद मेरा ख्याल है फरवरी में इलेक्शन जो है वो मुमकिन होंगे। तो अब जो हल्का बंदियां हैं उनका एक प्रोसेस है, उन्होंने मुकम्मल होना है मर्दमशुमारी के मुताबिक, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल स्टांस जरूर है पीपल्स पार्टी का, मगर वो इस मर्दमशुमारी को अप्रूव करने में बकायदा हिस्सा, लेकिन अगर ये सियासी स्टांस है या सियासी मौकफ है, ऐसी बात क्यों की जा रही है, आपकी समझ में क्या आता है? देखिए, आई एम श्योर के पब्लिक डिमांड होगी, उनके इलेक्ट्रेट जो उनका वोट बैंक है उसकी डिमांड होगी, और नेचुरली अच्छा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर डिमांड रखती है कोई ना कोई उसकी वजह होती है। हमारे भी वोटर कहते हैं आज नहीं तो कल इलेक्शन जरूर करवाएं, बट देखिए इलेक्शन होने से पहले जो मर्दमशुमारी है जिसपे 40 अरब रुपया खर्च हुआ, जो डिजिटाइजेशन सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू हुई, मॉडर्न तरीकेकार अपनाया गया, अब वो जब मुकम्मल हुई है तो वो 40 अरब रुपया वो जस्टिफाई भी तो होना है ना कि वो खर्च हमने किया है, टाइम लगा है उसके ऊपर, पूरे सरकारी महकमे इन्वॉल्व रहे हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा। अब वो मर्दमशुमारी के नतीजे में हल्का बंदियां होनी है, बट आई एम श्योर पीपल्स पार्टी के पास इसकी जस्टिफिकेशन होगी, वजह जिसके बिना पे भी ये बात कर रहे हैं। आज कुछ साहब कुछ और इत्तलात भी आई, और उनमें से एक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कि वो 15 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की और मियां नवाज शरीफ की जिसमें ये फैसला हुआ, क्या वाकई मियां नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं? देखिए वापस तो उन्होंने अगले 1.5-2 माह के अंदर अंदर ही आना है, अब वो किस तारीख को आते हैं इसका हतमी ऐलान किया जाएगा कानूनी टीम से मशावरत के बाद, सियासी टीम से मशावरत के बाद, बट उनका आना अटल है, उसमें कोई रद्दबदल नहीं होगी, और अगले 1.5-2 माह के अंदर वो पाकिस्तान में होंगे ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है, और उसके मुताबिक ही पार्टी उनके इस्तकबाल की तैयारियां करेगी, क्योंकि उन्होंने आके इलेक्शन कैंपेन को लीड करना है और उनके कानूनी मामलात जो हैं वो बड़े क्लियर हैं। पनामा दिन ब दिन हर गुजरते अच्छा। दिन के साथ एक्सपोज हुआ वो टोला जिसने पनामा का झूठा केस बनाया था, जिसने इकामा की जोर पे निकाला और उसके बाद एक GIT बनाई, सुप्रीम कोर्ट के सुपरवाइजरी जजेस बैठे, उनको सजा देने के लिए बैठे थे, इस लाडले को बचाने के लिए आज बैठे हुए हैं। अच्छा, तो उनका आना इंशाल्लाह बिल्कुल पक्का है और अगले 1.5-2 माह के अंदर, लेकिन ऐसा लगता है कि अदालतों के से आपके गिले शिकवे तहफजात अभी भी हैं। तोशा खाना केस एक एग्जांपल है, आप वैसे तो आप लोग कहते थे कि चेयरमैन PTI के पास अदालतें मौजूद है, उनको अदालतों में जाना चाहिए, वहां से उनको रिलीफ के लिए दरखास्त करनी चाहिए, तो अब अगर वो अदालतों में गए हैं तो फिर आप लोगों को इस पर एतराज क्यों है? देखिए बात यह है, एक तरीकेकार है ना रहमान साहब, आप अगर ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अगर उस केस को सुनना शुरू कर दे, उसके देखें मोहब्बत अपनी जगह पे, मोहब्बत पे कोई रोक टोक नहीं है, दिली लगाव पे इश्क पे कोई रोक टोक नहीं है, अगर बंदियाल साहब समझते हैं कि इमरान खान उनका महबूब कायद है, उनकी मदर इन लॉ का फेवरेट है, उनके घर अच्छा। वाले उनको पसंद करते हैं, जरूर अपनी अफेक्शन का इजहार करें, मगर ये तरीका नहीं है कि आप पूरे केस के फैक्ट्स बयान कर दें सुप्रीम कोर्ट में बैठ के। कभी आपने सुना है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और सेमीफाइनल का नतीजा नहीं आया और फाइनल पहले शुरू हो गया? तो भाई इस्लामाबाद अच्छा। हाईकोर्ट का फैसला आ लेने दें, उधर डे टू डे हियरिंग चल रही है, शॉर्ट डेट्स पड़ रही हैं, मामले को डिस्कस किया जा रहा है, आपने बुला के सारा केस खोल दिया और उसका अच्छा। फैसला भी और अपना जेन भी दे दिया, लेकिन वो अब देखे चीफ जस्टिस तो हैं वो अताउल्लाह तारड़ साहब, और जो ऑब्जर्वेशन हमने इस केस के अंदर देखी हैं, पहले तो ये मामला ऐसा लगता था पार्लियमान और अदलिया के दरमियान है, अभी ऐसा लगता है कि ये नून लीग और अदलिया के दरमियान मामला है, और तासुर ये बनता है जैसे नून लीग की अदलिया के साथ कोई लड़ाई है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा मामला रूल ऑफ लॉ के लिए है, अच्छा। कानून की हुक्मरानी के लिए है, आईन की बालादस्ती के लिए है। अगर कोई भी अदालत एक सियासी लीडर को रिलीफ देने के लिए उसकी अपील की फैसले के बगैर आउट ऑफ टर्न उसका केस लगा के उसको सुनेगी और उससे मोहब्बत का इजहार करेगी अच्छा। तो शिकवा करना जो है वो हमारा हक है, वो आईनी हक है, इजहार राय हमारा हक है, आईनी हक है, उस पर हम जरूर बात करेंगे। मगर रिटायरमेंट से पहले लगता ये है कि बंदियाल साहब मैक्सिमम रिलीफ अपने लाडले को देकर अच्छा। जाना चाहते हैं
और चाहते हैं कि उसकी जिंदगी आसान बना के जाए, दोबारा उसका दीदार हो महबूब, ठीक है, देखिए वो इस पे हम क्या कह सकते हैं, तंकीद ही कर सकते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का तो मामला अब है, लेकिन साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के मामला आता है, इलेक्शन कमीशन ने अब सियासी जमातों के साथ मुलाकातें भी कर रहा है, आप लोगों की भी मुलाकात हुई है, एक तो ये बताइएगा उसमें क्या बात हुई, और दूसरा इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तमाम जमातों के पास, तो तहरीक इंसाफ तो कहती है कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मुस्लिम लीग नून के भी कुछ गिले शिकवे हैं, चाहे वो अदालतों के हवाले से क्यों ना हो, मुस्लिम लीग नून के पास है लेवल प्लेइंग फील्ड? देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो मैं समझता हूँ कि उसका तो ताल्लुक शफाफ इंतखाबात के इनकाद से है, और हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि इलेक्शन कमीशन इंशाल्लाह अपना पूरा किरदार अदा करेगा कि जो है वो मुनसिफाना, गैर जानबदाराना और शफाफ इंतखाबात जो है उनका इनकाद मुमकिन हो सके। तो देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक तो इलेक्शन मैनेजमेंट से, इलेक्शन डे से, इलेक्शन की कैंपेन से, कोड ऑफ कंडक्ट से होता है। अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इंपेडिमेंट है या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा खच्चा है कि इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। मेरा ख्याल है हमें पूरा इस पे इत्मीनान रखना चाहिए, वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। और आप क्योंकि खुद वकील हैं तो तोशाखाना में ये कहा जा रहा है कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजरल इश्यूज हैं, मसाइल हैं उसके अंदर, आपको भी लगता है जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया उसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, कानूनी जो है वो क्या उसे गैप्स कहना चाहिए, वो मौजूद हैं उस फैसले में? दो चीजें हैं, चोरी इस्टैब्लिश्ड है, मिस डिक्लेरेशन इस्टैब्लिश्ड है, ब्लैक मार्केट में फरोख्त इस्टैब्लिश्ड है, इन तोहफों की फरोख्त करके रकम हासिल करना इस्टैब्लिश्ड है, उस रकम को डिक्लेयर ना करना, कम रकम डिक्लेयर करना वो भी साबित है, चोरी अपनी जगह पे इस्टैब्लिश्ड है, सर्टिफाइड चोरी हुई है। मगर अगर ये प्रोसीजरल इश्यूज को उठाते हैं तो उस पर बड़ी लंबी कानूनी बहस है, कानूनी नजीरे हैं पेश करने के लिए, दलाइल है पेश करने के लिए, और जो प्रोसीजरल लैप्सेज इनके बकौल है उसका फैसला हाई कोर्ट में होना है और वो अपील की स्टेज पे होना है। कैप्टन सफदर साहब की एक साल की सजा थी, 3 माह बाद उनकी सजा मौतली हुई, ठीक, ये तो फिर भी 3 साल की कैद है, तो इतनी जल्दी किस बात की है कि वो अपील कोर्ट ऑफ अपील को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल इश्यूज उठा रहा है। अच्छा, पूरे केस का तीरा पांचा कर दिया उठा के एक ही हियरिंग पे, और एक करप्ट आदमी जिनका नाम मज़ाहिर अली अकबर नकवी है, जिनके अपने खिलाफ केसेस हैं। अच्छा, और वो अभी तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फिक्स नहीं हुए, वो 10 इधर जो इनका प्लॉट है लाहौर कैंट में उसका जवाब नहीं दे सके, वो प्रोसीजरल इश्यूज उठा रहे हैं, यानी चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, एक अजीब मामला है। तो मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि प्रोसीजरल इश्यूज भी उठाने हैं, वो अपील के दौरान उठाए जाएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट की स्टेज आएगी, मगर क्योंकि 16 सितंबर को रिटायरमेंट है, जाने से पहले पहले उन्होंने कहा सारा सिस्टम लपेट और इस लाडले का केस पहले सुन। अताउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अताउल्लाह तार जो है वो अपनी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून बात कर रहे थे सियासी मामलात के हवाले से। अभी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ बात करते हैं कि बिजली की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा क्यों है। वेलकम बैक। बिजली की कीमतों में बार बार बड़ा इजाफा किया जा रहा है और आवाम परेशान है। इस महीने बिजली के आने वाले बिलों ने लोगों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया। दो रोज पहले भी बिजली मजीद 5.40 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई है। इससे पहले गुज़िश्ता माह बिजली 7.50 रुपए तक महंगी हुई थी। बिजली की कीमतों में इजाफे को एक तरफ IMF के साथ माहदों के साथ जोड़ा जा रहा है, तमाम दीगर अवामिल भी हैं जिनकी वजह से बिजली महंगी होती जा रही है। अब बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और ये जो टैक्सेस हैं उनके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज भी हो रहा है। मुजाहरीन ने शिकवा किया है कि ये बेजा इजाफा है और टैक्सेस की भरमार है। ये क्या वजह है, क्यों इस तरह से बिजली के बिल खासतौर पर इस महीने जो लोगों को मौसूल हुए हैं इस कदर इजाफा देखा जा रहा है, इस पर बात करने के लिए इरशाद अंसारी हमारे सीनियर रिपोर्टर प्रेस न्यूज़ के मईशत को कवर करते हैं, उनसे बात करते हैं। इरशाद बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद ये बताइएगा कि ये क्या वजह क्या है, ये गैर मामूली तौर पर जो बिजली के बिल आ रहे हैं इतना बड़ा इजाफा क्यों देखा जा रहा है? हाँ देखिए रहमान, इसमें जो बुनियादी वजह है वो तो एनर्जी मिक्स का खराब होना है। जब तक एनर्जी मिक्स ठीक नहीं हो सकता तो उस वक्त तक ये प्राइसेस नीचे लाना नामुमकिन है। बुनियादी वजह तो एनर्जी मिक्स है, क्योंकि हमने हाइड्रल पावर जो सबसे सस्ती बिजली है उस पर हमने तवज्जो नहीं दी, डैम हमने बनाए नहीं है, बिजली की डिमांड जो है वो बढ़ गई है, दुनिया में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो हम बहुत पीछे हैं। तो उस वजह से जब हमने अपनी जरूरियात को तो पूरा करना है तो फिर हम महंगा जो फ्यूल है उस पे गए, फिर हमने
इस तरह के मुआहदे किए, चूंकि उस वक्त जब इन्वेस्टमेंट लाना होती है तो अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म जो है वो ये यकीन दानियां करवानी होती है कि अगर वो यहाँ पे आके अरबों डॉलर जो है इन्वेस्ट करते हैं तो उसके नतीजे में जो चीज वो पैदावार कर रहे हैं उसकी कंजप्शन होगी और उसकी पेमेंट्स होंगी। उसमें फिर हमने ऐसे वादे किए कि अगर जो है वो बिजली गवर्नमेंट नहीं भी खरीदती, और उस फिर हमने दरमियान में जो उसको अमेंड करके फिर ये किया कि उसमें जो हम सस्ता जो फ्यूल है यानी कि जो अल्टरनेट फ्यूल था जो गैस है वो हम फ्राहम करेंगे, अगर गैस फ्राहम नहीं करते तो उससे अगर जो है वो पावर प्लांट्स बंद होते हैं तो कैपेसिटी चार्जेस के मद पे हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो नतीजा वही हुआ कि कैपेसिटी चार्जेस हम दे, फिर बिजली की चोरी बहुत ज्यादा है, फिर जो है वो अशराफिया को जो बिजली अरबों यूनिट जो है वो दिए जाते हैं, जो मुफ्त यूनिट दिए जाते हैं उसका बोझ भी पब्लिक पे पड़ता है। तो ये सारे आवाम जो है फिर एक लेकिन इरशाद अंसारी, इससे पहले होता ये था कि स्लैब्स बनी हुई थी और जो कम यूनिट इस्तेमाल करते थे उनका बिल जो है वो इतना ज्यादा नहीं आता था, जो ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं उनके बिल्स आमतौर पे देखा उनमें इजाफा होता था, टैरिफ को कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर किया जा रहा। लेकिन इस दफा तो ये अक्रॉस द बोर्ड, चाहे जो कम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उनके भी बिल ज्यादा हैं और जो ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं उनके भी बिल इसी तरह से जो है वो गैर मामूली है। जी बिल्कुल, देखिए एक तो ये मसला है, दूसरा ये जो टैरिफ का स्ट्रक्चर है ये टोटली जो है वो डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि इसमें देखें ये अच्छा। जो यूनिट्स वाली बात ये तो अपनी जगह पे एक मौजूद है, इसके अलावा टैक्सेशन की भरमार है, और इसके अलावा देखिए टेलीविजन फीस साहब दे रहे हैं, अभी कहा जा रहा है कि रेडियो फीस भी हम देंगे इसमें डालेंगे और वो भी आवाम से वसूल करेंगे। तो टैरिफ को रैशनलाइज करना चाहिए, टैरिफ को जिस तरह बाकी सर्विसेज दुनिया भर में सर्विसेज का जो बिजनेस होता है उस मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये सर्विसेज का जो बिजनेस मॉडल है वो फ्लॉप और ये नाकाम बिजनेस मॉडल है, ये बिजनेस मॉडल नहीं है बल्कि ये आवाम के जो है वो आवाम के ऊपर आवाम के साथ जुल्म और नाइंसाफी का जो है वो बाजार इसके तहत जो है वो गर्म किया गया है। और आवाम जहरी बात है कि आवाम जाए भी किधर, क्योंकि जब आप महंगी बिजली बनाएंगे और फिर आप उसको सब्सिडाइज तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप आवाम से सारा जो है वो बोझ एकदम जो है वो वसूल करने की कोशिश करेंगे, आवाम की कुव्वत जो बर्दाश्त है वो खत्म हो चुकी हो, तो फिर आवाम यकीनी तौर पे जो है रिएक्शन दिखाएगी। और अभी इरशाद मुझे ये समझाइएगा, आप ये कह रहे हैं कि कैपेसिटी चार्जेस हैं, फ्यूल चार्जेस हैं, कुछ टैक्सेस हैं, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, तो ये इजाफा क्या आपको लगता है कि वक्ती तौर पर जो है वो देखा जा रहा है ये इजाफा, या फिर ये रहेगा बिजली की कीमत जहां पर पहुंच चुकी है इससे फिर ये नीचे नहीं आएगी? देखें जी, फौरी तौर पे तो कोई कमी के आसार नजर नहीं आते, इसका सिर्फ एक ही आर है जो मैंने आपको बताया कि आप सस्ती बिजली पैदा करें, और सस्ती बिजली सबसे सस्ती जो है वो हाइडल है या फिर न्यूक्लियर है या फिर वो सोलर का है, इसमें गवर्नमेंट को बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा, फिर दूसरा एक चीज मैं मिस कर गया था आपको बताऊं, टैरिफ में भी आप देखें जी, महाना टैरिफ एडजस्टमेंट अलग ली जाती है, क्वार्टर एडजस्टमेंट अलग ली जाती है, बेस टैरिफ में जो इजाफा है वो अलग किया जाता है, इसी तरह टैक्सेशन के हवाले से फर्दर टैक्स अलग लिया जाता है, जीएसटी अलग लिया जाता है, इनकम टैक्स अलग लिया जाता है, फिर एफपीए जो होता है उस पर भी टैक्स लिया जाता है। तो ये नाइंसाफियां हैं, इन चीजों को खत्म करना चाहिए। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट को सिर्फ गरीब आदमी पे बोझ मुंतकिल करने की बजाय अपनी पॉलिसी को अगर आज शिफ्ट कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर आज शिफ्ट नहीं करेंगे तो फिर जो आवाम में लावा फिर आवाम का लावा जो इनको मजबूर कर देगा कि अशराफिया को खुद से सामने आना चाहिए ताकि आवाम का जो गम गुस्सा है वो कम हो और वो खुद अपनी जो ये मराहत है जो उनको अरबों रुपए के जो बिजली जो है वो फ्री मिलती है उस पर जो है वो सरेंडर करें और वो कहें कि हम आम आवाम, अगर आम आवाम बर्दाश्त कर रही है तो हम भी बर्दाश्त करेंगे, उससे तौर पर आम आवाम को किसी हद तक जो है वो हुकूमत रिलीफ देने की, लोगों को रिलीफ देने का सोचना। राइट, बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी, सीनियर रिपोर्टर एक्सप्रेस न्यूज, बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों और दुनिया की दौलत का तकरीबन एक चौथाई हिस्से का मालिक समझे जाने वाले आलमी ब्लॉक ब्रिक्स के रहनुमाओं ने अगले बरस से 6 नए ममालिक को क्लब में शामिल करने का ऐलान किया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, ब्रिक्स में अब सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, मिस्र, मुतहदा अरब अमारात और अर्जेंटाइन को शमूलियत की दावत दी गई है। नए उम्मीदवारों को बाज़ाब्ता तौर पर यकम जनवरी 2024 को मेम्बरान के तौर पर दाखिल किया जाएगा। ब्लॉक के
पांच अराकीन के रहनुमाओं ने तौसी के इस फैसले को सराहा, जबकि नए मेंबरान ने भी दावत का खैर मकदम किया है। जोहानसबर्ग में होने वाली तीन रोजा समिट के दौरान ब्रिक्स में तौसी के मामले का एजेंडा हावी रहा और नए अराकीन को शामिल करने की रफ्तार और मियार पर तकसीम भी सामने आई। जनूबी अफ्रीका के सदर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि तकरीबन दो दर्जन से ज्यादा आलमी जनूब के ममालिक ने बाज़ाब्ता तौर पर ब्रिक्स में शमूलियत की दरख्वास्त दी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक ब्रिक्स ग्रुप में तौसी का मकसद ग्लोबल साउथ में मगरबी ममालिक के मुकाबले में मजबूत ब्लॉक बनाना है। एक तरफ अमरीका इस इजाफे को गैर अहम करार दे रहा है, लेकिन ये बात अहम है कि दुनिया की मईशतें तेजी से एक दूसरे के करीब आ रही हैं। ये ममालिक अपनी तरजीहात के हवाले से बड़ा वाज़ेह हैं और उनके दरमियान रवाबित नए सिरे से उस्तवार होने अब सभी आगे आ रहे हैं। मुश्तरका मफादात इन्हें नई सफबंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो ममालिक जो मुआशी तौर पर हमसे पीछे थे, इस नई आलमी सफबंदी में अपना मकाम बना रहे हैं और हम अपने अंदरूनी मामलात में उलझ कर रह गए। कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।